वेलकम बैक टू आवर चैनल एआई वॉक। एआई वॉक में एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो एक एम्पलीफायर है वो रेडी हो चुका है, 1200 वाट PMPU में जो हमारा बोर्ड है पावरफुल, उसी के साथ मैंने ये एम्पलीफायर तैयार किया है। ये जो एम्पलीफायर है ये भी ऑर्डर पे है, जो हमारे राजस्थान के सर हैं नरेश जी, उन्होंने ये बनवाया है, उन्हीं का ऑर्डर रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बना के पूरी तरह से रेडी कर दिया है। इसकी मेकिंग वीडियो मैं नहीं डाल सका किसी वजह से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें दो माइक के कनेक्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका जो फ्रंट लुक है वो है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसमें। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने बोर्ड यूज़ किया है ये अपना 1200 वाट PMPU है, 2SC5200 में, ये TTC में नहीं है, ये 2SC5200 में है। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट BT के साथ आता है, तो ये कंप्लीट है। और इसके कनेक्शंस वगैरह कुछ इस तरह से हैं, देख लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्टर पे दिए हुए हैं। ये हैं इसके जो ऑक्स केबल है उसके कनेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने इसके बीच वाले सेलेक्टर पे। पहला वाला सेलेक्टर हमारा USB का है, बीच वाला हमारा ऑक्स केबल का है, और थर्ड वाला हमारा माइक का है। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्शंस हमारे सारे इस तरह से हैं कुछ। और ये ट्रांसफार्मर 30-30 में यूज़ किया है मैंने, 5 एम्पेयर का 30-30 ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे दो माइक लगे हुए हैं और ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे लगा हुआ है जिसको मैंने कवर कर दिया, इंसुलेट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बैक साइड में देखते हैं, बैक साइड में आपको मैं दिखाऊंगा। तो बैक साइड आपकी इसकी लुक जो है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने 6RCA दिया हुआ है, ये हमारा लाइन आउट है, ये जो फर्स्ट दो कनेक्टर दिख रहे हैं आपको लाइन आउट के हैं, और ये 4 जो हैं ये लाइन इन के हैं। तो आप इसमें DVD अपना सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ भी लगा के चला सकते हैं। ये हमारी जाली है और ये हमारा फ़ैन है कूलिंग के लिए। और यहाँ पे दो कनेक्टर दिए हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हमारा दो आप स्पीकर यहाँ लगा सकते हो, दो स्पीकर यहाँ लगा सकते हो आप, 10 से 12 इंच 15 इंच तक आप इजीली चला सकते हो इससे। ये दो फ्यूज़ दिए हैं 10-10 एम्पीयर के, और ये हमारी मेन केबल है। और ये है हमारा, ये देख सकते हैं ये हमारा एंटीना, FM एंटीना के लिए वायर है। तो कुछ इस तरह का है इसका इनसाइड और आउटर लुक। आप देख सकते हैं ये फ़ैन लगाया हुआ है मैंने, DC फ़ैन 12 वोल्ट में, जिससे हीट हमारा ना हो एम्पलीफायर। तो कुछ इस तरह का हमारा एम्पलीफायर रेडी हुआ है। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो चलिए इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने दोनों स्पीकर लगा रखे हुए हैं। ये मेरा 8 इंच का स्पीकर है और ये भी मेरा 8 इंच का स्पीकर है, जो मैं पहले वीडियो में भी इसको दिखा चुका हूँ आपके लिए। तो चलिए इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एम्पलीफायर जो रेडी हुआ है, ये देख सकते हैं इसका इनसाइड और आउटर लुक। तो चलिए मैं इसको स्टैंड पे लगा लेता हूँ और फिर आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो मैंने स्टैंड पे लगा लिया है और आप देख सकते हैं हमारा सेट रेडी है ऑन के लिए। तो चलिए मैं इसके पावर ऑन करता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी पावर ऑन कर दी है और देख सकते हैं आप उसको, फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी, इसमें कोई भी हमिंग वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं केवल फ़ैन की आवाज़ अगर हल्की फुल्की अगर आ रही होगी तो फ़ैन की आवाज़ है, बाकी इसमें कोई भी हमिंग वगैरह नहीं है। और चलिए हम इसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं, ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया है, ये देख सकते हैं आप इसका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ आ गया है हमारा 02BT के नाम से, ये देखिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा पेयर हो चुका है, ठीक है। अब बारी है इसकी साउंड टेस्टिंग की, तो चलिए मैं इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इसका NCS म्यूज़िक लगा लेते हैं कोई, NCS म्यूज़िक मैंने लगा लिया है, ऑन कर लिया है, ये देखिए मैंने ये NCS म्यूज़िक ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है वो चल चुका है, और देखिए वॉल्यूम इसका डाउन है, इसकी वजह से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे मैं इसका वॉल्यूम खोलता हूँ। तो हमारा देखिए सॉन्ग चालू हो चुका है और आवाज़ इसके डाउन है क्योंकि मैंने वॉल्यूम पूरा लो कर रखा है, इस वजह से साउंड नहीं आ रहा होगा। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं इसका साउंड ओपन करता हूँ। ये देखिए इसका साउंड ओपन है और अभी ये देखिए, अभी हमारा केवल ये स्पीकर चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा ये स्पीकर चल रहा है क्योंकि बैलेंस भी जो देख सकते हैं बिल्कुल मैंने सिंगल पे कर रखा है, तो मैं इसको बीच में करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको बीच में कर दिया है, अब हमारे दोनों स्पीकर चल रहे हैं, ये वाला भी चल रहा है और ये वाला भी चल रहा है। तो मैं इसका वॉल्यूम अप करता हूँ, देख सकते हैं
इसका थोड़ा बेस ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं इसके बेस क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त आ रही है हमारी। बेस ऑन करते ही देखिए दोनों लाइट हमारी एक्टिव हो गई हैं, जलने लगी हैं। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके इसकी धीरे धीरे करके ट्रैवल भी ऑन करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बेस पंच आ रहा है इसके अंदर। बहुत ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है इसकी। और आप देख सकते हैं बहुत ही मैं इसका वॉल्यूम फुल करने जा रहा हूँ। देखिए मैं इसका वॉल्यूम फुल करता हूँ। मैं फुल वॉल्यूम करके ज़्यादा देर नहीं चला सकता वरना मेरे दोनों स्पीकर जल जाएंगे। ये मैं गाना चेंज कर रहा हूँ तो थोड़ा आप देख सकते हैं मैंने इसका सॉन्ग चेंज कर दिया है। और आप देखिए कितनी जबरदस्त इसका बेस पंच है और ट्रेबल है। ये स्पीकर लायक नहीं है जो इसकी आवाज़ को झेल सकें, तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं ये स्पीकर। तो मैं इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर देता हूँ। जबरदस्त का साउंड क्वालिटी का जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हैं बाकी बेटर साउंड क्वालिटी के आपको ईयरफोन का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप वो ज़रूर करें। बेस का पंच इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बेस का पंच है वो बेस का थ्रो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। शायद वीडियो में उतनी अच्छी तरह से कैप्चर ना हो पा रहा हो माइक के थ्रू, बट रियल में अमेजिंग परफॉर्मेंस है एम्पलीफायर की। बहुत ही ज़बरदस्त बेस का पंच है।
ends, we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And मैं इसका आपको माइक भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए मैं माइक इसको लगा के मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए माइक मैंने लगा दिया है और मैं यहाँ से माइक ऑन करता हूँ। ये देखिए माइक ऑन हो चुका है हमारा। और हेलो 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 हेलो, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आवाज़ आ रही है हमारी माइक के। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो, आप सुन सकते हैं, देखिए माइक की पूरी आवाज़ आ रही है इसके अंदर। हेलो, तो ये दो माइक जो हैं इसके अंदर मैंने दो माइक के कनेक्शन दिए हैं। आप इसको माइक यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो माइक के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ आपको इन स्पीकर्स के अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे माइक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं चलिए मैं दूसरा माइक भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। हेलो हेलो, आप देख सकते हैं ये माइक भी हमारा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको स्पीकर के अंदर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है हमारा ये एम्पलीफायर जो है, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आ रही इसके अंदर। आपको हल्की फुल्की जो आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, बस फैन की आवाज़ आ रही है, बाकी इसमें किसी भी तरह की कोई भी हमिंग या नॉइज़ नहीं है। देख सकते हैं आप, पूरी तरह से साइलेंट है ये। तो ये था हमारा माइक। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और मैं ज़्यादातर इसमें जो है आपको सॉन्ग्स वगैरह लगा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको पता ही है नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ही चला सकता हूँ इसमें। अगर आपको इसके कॉपीराइट म्यूज़िक वगैरह या नॉर्मल सॉन्ग वगैरह आपको सुनने, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, मैंने वहाँ पे इसकी वीडियो जो डाली हुई है वो नॉर्मल सॉन्ग्स के अंदर हमारी जो डाली हुई है उसकी आप बेस क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देर ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको इसकी जो भी साउंड टेस्टिंग वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त साउंड टेस्टिंग वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं चलिए किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारी जो नई नई वीडियोज़ वगैरह आती हैं एम्पलीफायर के ऊपर वो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।